हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले के लेक्चर में आपको मैंने मैटर पढ़ा था। मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको मास भी होता है, और उसका मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और वो भी हम उसको दो इसमें क्लासिफाई करते हैं। वन इज़ द प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, उसमें से आपको प्योर सब्सटेंस बताया था मैंने कि प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है और उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया है। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस जो है उसको एक डिफाइनड कंपोजिशन होता है एंड और वो हमें कोई भी ओरिजिन से मिले उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम होती है, और उसका एग्जैक्टली अपोजिट मिक्सचर है। मिक्सचर में कंस्टेंट पार्टिकल का या फिर उसका डिफाइनर केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। किसका? मिक्सचर का। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का डिफाइनर कंपोजिशन होता है, मतलब प्योर सब्सटेंस का डेफिनेट कंपोजिशन होता है और मिक्सचर का डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता। उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस में देखा था एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसमें से मैंने एलिमेंट के बारे में बताया था कि एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपल फॉर्म। आपको बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब जो एलिमेंट होता है, आर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट ये प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डनरी केमिकल चेंज। कोई भी ऑर्डनरी केमिकल चेंज से प्योर सब्सटेंस ब्रोकन डाउन नहीं होता, और उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। मतलब सिंपल एलिमेंट ये प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस, वो और ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता बाय ऑर्डनरी केमिकल चेन से। फिर एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड में। उसमें से मेटल जो होता है उसको उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसके बाद नॉन मेटल्स और उसमें मेटलॉइड। ठीक है, आई थिंक वो लास्ट पॉइंट में आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, तो आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा के दे देती हूँ। ठीक है, देखो मेटल जो है उसके फर्स्ट पॉइंट की हैव अ लस्टर, उसको शाइनी अपीयरेंस होता है और उसको शाइन होती है, वो लस्टरस होता है। ठीक है, देन जैसे एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर बहुत शाइनिंग नेचर के होते हैं, तो मेटल हमेशा लस्टरस होता है, वो उसका नेचर अपीयरेंस शाइनी होता है। देन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये बताया था कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जब हम जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, उसको हम एक थीन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे एल्यूमिनियम की वायर है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करते हैं, कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, तो ये क्यों है? बिकॉज मेटल जो है वो डक्टाइल होता है, क्योंकि उसको हम एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कैन बी हैमर इनटू अ थीन शीट, उसको हम हैमरिंग करके थीन शीट में, मतलब पत्रे में भी कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मेलेबिलिटी, मतलब मेटल शोज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इट कन्वर्ट इनटू अ थीन वायर, एंड मेलेबिलिटी मतलब इट हैम आफ्टर हैमरिंग इट गेट कन्वर्ट इनटू अ थीन शीट, वो थीन शीट में भी कन्वर्ट होता है। उसके एग्जांपल्स मेटल्स गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, निकल है, देयर ठीक है, आयरन है, मर्क्यूरी है, दिस ऑल आर द मेटल्स। एंड मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विड होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है नॉन मेटल का। नॉन मेटल देखो हैव नो लस्टर, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट रहेंगे मेटल्स के। नॉन मेटल जो है उसको लस्टर नहीं होता। ठीक है, किसको छोड़ के? डायमंड एंड आयरन को छोड़ के। ठीक है, अब डायमंड एक्सेप्शन कैसे, क्योंकि उसको लस्टर तो बहुत ज़्यादा होता है, इवन आयरन को भी लस्टर होता है, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सारे जो नॉन मेटल्स है उसको लस्टर नहीं होता, वो शाइन नहीं करते। अब दूसरा पॉइंट, मेटल जो थे वो गुड कंडक्टर थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये कैसे रहेगा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मतलब जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ना हीट को ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़िए, ग्रेफाइट में से हीट को ट्रांसफर हो सकता है, तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर है, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होती नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट दिया कैन नॉट बी हैमर इनटू थीन शीट और ड्रॉन इनटू वायर, और नॉन मेटल को हम हैमरिंग करके शीट में या फिर थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ब्रिटल, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, उसको हमने ज़्यादा हैमर किया तो वो टूट जाएंगे।
क्योंकि वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल है आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। नाउ मेटलॉइड, सम एलिमेंट्स हैव अ प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल इंक्लूड आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, दिस ऑल आर द मेटलॉइड्स। दे शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, या फिर शोज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये हो गया मेटलॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था, बट लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ कंपाउंड्स, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कंपाउंड के बारे में ही नहीं बताया था। कंपाउंड और एलिमेंट के डेफिनेशन नियर अबाउट सेम है। तो कंपाउंड जो है एक प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। कंपाउंड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस। वो भी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं होता कोई भी केमिकल चेंज से, ठीक है। और कंपाउंड जो होता है, इन कंपाउंड टू और थ्री एलिमेंट्स आर कंबाइन इन अ फिक्स प्रपोर्शन। कंपाउंड में दो या फिर उससे भी ज़्यादा एलिमेंट, दो या फिर टू और थ्री दिया है, दो या फिर तीन एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक साथ इन फिक्स प्रोपोर्शन में, जैसे ओ थ्री है या फिर कोई दूसरे एलिमेंट जैसे एच टू है, तो हम एच टू है, अमोनिया एन एच थ्री है, तो उसमें दो या फिर तीन एलिमेंट एक साथ फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलते हैं कंपाउंड में। एलिमेंट में कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिंपल एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कंपाउंड में दो या फिर उससे भी ज़्यादा एलिमेंट जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कोई भी केमिकल मेथड से। नाउ मिक्सचर के बारे में देखो, ठीक है, तो हमारे दो टाइप हो गए, क्योंकि मैटर को हमने दो इसमें क्लासीफाई किया था। मैटर को हम दो इसमें कौन से, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में क्लासीफाई किया था। उसमें से जो प्योर सब्सटेंस का पार्ट है हम वो ख़त्म हो चुका है। प्योर सब्सटेंस में हमने दो पार्ट देखे थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो भी मैंने बता दिया कि वो एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, वो ब्रोकन डाउन नहीं होता इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे एलिमेंट कौन से भी एलिमेंट आप ले सकते हो उस एग्जाम्पल में। उसके बाद जो एलिमेंट्स है उसको हमने एलिमेंट जो है उसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल, उसको भी मैंने अच्छे से बता दिया। फिर प्योर सब्सटेंस का दूसरा पार्ट था कंपाउंड। आप अपनी बुक साथ में रखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट था उसका कंपाउंड। तो कंपाउंड का बस उतना ही पार्ट दिया कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है और वो भी ब्रोकन डाउन नहीं होता इंटू सिंपलर सब्सटेंस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से। बस उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कंपाउंड में दो या फिर उससे भी ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब कंपाउंड बनाने के लिए दो से ज़्यादा एलिमेंट यूज़, दो या फिर तीन एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हो। अब हमारा दूसरा पार्ट है मिक्सचर का। तो मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस इन नो फिक्स प्रोपोर्शन। अब मिक्सचर में क्या होता है कि दो या फिर उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस जो है नो फिक्स प्रोपोर्शन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस इन नो फिक्स प्रोपोर्शन। मिक्सचर बनाने के लिए दो या फिर उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन उसका प्रोपोर्शन नहीं होता, उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं दिया होता, आप कैसे भी उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो मिक्सचर में क्या होता है, दो या फिर उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं लेकिन वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते, आप कैसे भी अपने अंदाज से उसको ऐड करके उस सब्सटेंस को बना सकते हो। एंड मे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे गेहूं में कंकर होते तो हम ये बोल के वो मिक्सचर है किसका, गेहूं और कंकर का, और उस कंकर को हम पिक करके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये फिजिकल मेथड होगी। तो हम मिक्सचर जो है वो दो और उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस को हम एक साथ मिक्स करते विदाउट एनी प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इट फॉर्म्स अ मिक्सचर एंड दैट मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड, कोई भी सिंपल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। देन मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू
होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं या फिर उसको डिवाइड करते हैं कि इसमें मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उसको हमने दो इसमें क्लासीफाई किया है कि इसको मिक्सचर को, मिक्सचर के दो पार्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसमें से पहला देखो, सोल्यूशन जो होते हैं वो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। सोल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम पूरा टोटली थोड़ी वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन जो होता है, जैसे सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शुगर और वाटर लिया है, तो शुगर और वाटर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो उसका एक सॉल्यूशन बनता है। वो सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है, क्योंकि हम एक बार वो सॉल्यूशन बन गया, जैसे शुगर वाटर में मिक्स हो गई तो उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बिकॉज और उसमें जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट सोल्यूट के, जैसे हमने शुगर और वाटर को मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बना दिया, तो सोल्यूट के मतलब शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते थ्रू आउट बल्क, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे में थरोली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसको सेपरेट करना उतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो थरोली मिक्स हो जाते हैं, तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर को हम दो इसमें क्लासीफाई करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, वाटर लो उसमें शुगर ऐड करके मिक्स कर तो वो बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज सॉल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्ब, ठीक है। सॉल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूट मतलब शुगर एंड सॉल्वेंट मतलब वाटर आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इट बल्ब। उस पूरे बल्ब में सॉल्यूशंस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के वो एक साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं बल्क में, उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शुगर और वाटर या फिर सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मॉलिक्यूल जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट के आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्ब, वो मिक्स नहीं होते, उसको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सैंड ली मतलब रेत बोलते हैं और वाटर, उसको अगर मिक्स कर दिया तो वो सैंड के पार्टिकल्स वाटर में थरोली मिक्स तो नहीं होंगे, और अगर हमें सेपरेट करना है तो हम ऊपर का वाटर निकाल देंगे तो सैंड सेपरेट हो जाएगी, वाटर भी सेपरेट हो जाएगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब क्या, कि एक बार दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया तो बल्क में वो थोरोली मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिया तो सॉल्यूट पार्टिकल्स भी सेपरेट होते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी सेपरेट होते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क, वो थ्रू आउट द बल्क मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको सेपरेट करना पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल गिवन सस्पेंशन ऑफ एन इंसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब इंसॉल्युबल सॉलिड जैसे रेत जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ऐसे सस्पेंशन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होते। मॉलिक्यूल जो है कंस्टिट्यूएंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्ब, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर देखो, यू आर ऑल्सो अवेयर दैट कि मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। आपको पता है कि मैटर जो है वो थ्री डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आपको पता है कि ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की थ्री स्टेट्स होती है, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, और एंड दे आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब उसका नेचर भी अलग अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। यू आर ऑल्सो अवेयर दैट द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। मैटर जो है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। देन एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्टेट्स इन यूनिट थ्री चैप्टर नंबर 10, हम इसको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। देन देखो, इन सॉलिड
सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉलिड जो है वो एटम से बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, आयन से बना हो सकता है, मतलब इनडायरेक्टली वो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। पार्टिकल्स मतलब एक तो एटम में रह सकता है या फिर मॉलिक्यूल में रह सकता है। तो सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट एटम या फिर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड इन अ परफेक्ट ऑर्डर एंड देयरफॉर सॉलिड पजेस अ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड में अगर सॉलिड एटम से बना है तो एटम जो है वो एक दूसरे से इतने टाइटली हेल्ड रहेंगे, एक दूसरे से इतने टाइटली बंधे रहेंगे, तो उसकी वजह से उसका एक परफेक्ट ऑर्डर रहेगा। और परफेक्ट ऑर्डर अगर पार्टिकल का है तो उस सॉलिड को डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल से बना हो सॉलिड, या फिर एटम से बना हो, या चाहे वो कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल से अगर वो सॉलिड बना हो, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके पार्टिकल्स मतलब एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से परफेक्ट ऑर्डर में एक दूसरे से बंधे रहते हैं और उसको डिफाइनाइट शेप होता है और डिफाइनाइट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल लकड़ी का टुकड़ा देखो, लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर आप कोई भी मेटल का मतलब जैसे आयरन का आप कोई भी रॉड ले लो, तो आयरन के रॉड में जो पार्टिकल्स हैं आयरन के वो एक दूसरे से टाइटली बंधे होते हैं, इसलिए रॉड का शेप जैसा है वैसा ही रहता है जब तक आप उसमें कोई चेंजेस करते नहीं। तब तक हीट करोगे तो उसमें चेंजेस होंगे, लेकिन अगर आप उसमें कुछ नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स उसके टाइटली बंधे हुए एक दूसरे से, इसलिए वो अपना शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं करते। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक परफेक्ट ऑर्डर में रहते हैं, सॉलिड को डिफाइनाइट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, और लिक्विड कंटेंस पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। आपको पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से क्लोज तो रहते बट उतना क्लोज नहीं रहते जितना सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली बंधे होते, वो हिलते ही नहीं, उसकी पोजिशन फिक्स होती है, इसलिए सॉलिड कभी भी आपको मूव होते हुए दिखता नहीं, या फिर सॉलिड जो है वो एक जगह जैसा रखा वैसा ही रहता है। लेकिन लिक्विड को अगर आप एक जगह छोड़ दो तो वो थोड़ी देर तो थोड़ा डिस्टेंस तो ट्रैवल करके जाता ही, मतलब फ्लो होता है। अगर ऊपर से वाटर नीचे छोड़ दो तो वो सम डिस्टेंस वो वाटर एक जगह से दूसरे तक फ्लो होगा ही, मतलब बहता है वाटर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज है बट उतना ज़्यादा एक प्रॉपरली मतलब टाइटली हेल्ड नहीं होते एज कम्पेयर टू सॉलिड, वो टाइटली हेल्ड नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस फ्लो होते हैं। ठीक है, और वो या फिर कोई लिक्विड में उसको रखा है तो लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स भी मूव होते हैं। और अगर गैस की बात करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स वो एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड से, मतलब सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करो तो गैस के पार्टिकल तो रैंडमली मूव होते हैं, उसको जहाँ जगह मिले वहाँ पे वो मूव होते हैं, उसके बीच में बहुत ही वीकर टाइप के फोर्सेस होते हैं। एंड दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके इन मैटर के स्टेट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड का कन्वर्शन हम गैस में भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब हम सॉलिड आइस को हीट करते हैं या फिर उसको हम बाहर रख देते हैं, ठीक है, सॉलिड आइस को हम फ्रीजर में से बाहर निकाल के रख देते हैं तो उसको हीट मिल जाती है, तो उसके वजह से वो अपने आप ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को अगर हम हीट कर देंगे तो अगेन इट गेट कन्वर्ट इनटू अ वेपर फेज, और वेपर को हम कंडेंस करके प्रेशराइज करेंगे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड को फिर से हाई प्रेशर देंगे और कूल करेंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड स्टेट। मतलब ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। हम सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन गैसेस में, फर्दर हम गैस को फिर से रिपीट लिक्विड में ला सकते हैं, लिक्विड को फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में, मतलब तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही तक। कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी बचा है, तो आई होप आपने उसका आंसर ढूंढा होगा। अगर आपने आंसर ढूंढा है तो आप ग्रुप में उसका आंसर डाल सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे भी कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, में से एलिमेंट्स कौन सा है,
और कंपाउंड कौन सा आपको ढूंढना है। जैसे फर्स्ट दिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हीलियम गैस, वाटर, टेबल सॉल्ट, आयोडीन, मर्क्यूरी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको इसमें से देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये कंपाउंड है, हीलियम गैस हीलियम के आइटम से बनी है तो वो जो है, बट दो एलिमेंट को हमने कंबाइन किया इसलिए वो कंपाउंड में आएगी। वाटर ये भी कंपाउंड में आएगा, टेबल सॉल्ट जो है वो भी कंपाउंड में आएगा, आयोडीन जो है वो एलिमेंट है, मर्क्यूरी ये भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये भी एलिमेंट है और नाइट्रोजन ये भी एलिमेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो आप बाद में पूछ सकते हो। थैंक यू।